गुड मॉर्निंग सी एस पैरामेडिकल में हम एनाटॉमी क्लास देख रहे हैं। एनाटॉमी में हमारा टिश्यू चल रहा है, ठीक है। सिंपल एपिथेलियल एपिथेलियल टिश्यू हमने खत्म कर दिया है। एपिथेलियल टिश्यू के बाद हम कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और कौन सा? नर्वस टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू हमने खत्म कर दिया है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू। तो पहले हम कनेक्टिव टिश्यू समझेंगे कि आपके कनेक्टिव टिश्यू क्या कहलाता है। तो देखो, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो एक बड़ा समूह होता है, ठीक है। किसका? लेयर्स का एक बहुत बड़ा समूह कहलाता है। कौन सा टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। जो कई प्रकार के होते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू भी कई प्रकार के होते हैं, हमने सामने लिखा है। कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब ये क्या काम करते हैं? ये जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, अंगों को जोड़कर रखते हैं। क्या करते हैं? ऑर्गन्स को जोड़कर रखते हैं तथा क्या करते हैं? अंगों को कवर करके रखते हैं, ठीक है। जो हमारे ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स को चारों ओर से कवर करके कौन रखता है? कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और ये क्या काम करते हैं? जो हमारे ऑर्गन्स उनको यथास्थान, मतलब एक ही स्थान में रखने में सहायता कौन सहायता करता है? कौन सा टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। दूसरा ये क्या काम करता है? ये शरीर को शेप देने का काम करता है, आकार प्रदान करता है। ये कनेक्टिव टिश्यू किसका काम करता है? शरीर को आकार प्रदान करने का काम करता है, ठीक है। इन सेल टिश्यू बहुत अधिक, जो ये टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा पास पास में होते हैं, ठीक है। जो कनेक्टिव टिश्यू की कोशिकाएं कैसी होती हैं? अत्यधिक पास पास में होती हैं। और हमने जो एपिथेलियल टिश्यू देखा था, उसके जो कोशिकाएं थी वो थोड़ा दूर दूर होती हैं, ठीक है। उसकी अपेक्षा कनेक्टिव एपिथेलियल टिश्यू की अपेक्षा कनेक्टिव टिश्यू की जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? अत्यधिक पास पास में सटी होती हैं, ठीक है। और ये कैसी होती हैं? बल्कि एक दूसरे से अलग अलग नहीं होती हैं। जिनके बीच में इंटरसेलुलर सब्सटेंस, जिसको मैट्रिक्स कहते हैं, इनके बीच में, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, इनके बीच में क्या भरा होता है? अंतर कोशिकीय में, मतलब इंटरसेलुलर पार्ट में क्या भरा होता है? एक द्रव भरा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू समझ में आया? कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? बहुत ही बड़ा टिश्यू कहलाता है, ठीक है। और इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? अत्यधिक पास पास में होती हैं। ये हमारे शरीर में क्या काम करता है? हमारे शरीर को आकार प्रदान करने का काम करता है, ठीक है। इनका जो केंद्रक भाग होता है, या जो बोलते हैं इंटरसेलुलर पार्ट होता है, वहाँ पे एक द्रव पदार्थ भरा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। आप मैट्रिक्स इसके पास में देखोगे, कई जगह मैट्रिक्स पाया जाता है, ठीक है। ये हमने देख लिया क्या? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? ठीक है। इसके बाद हम कनेक्टिव टिश्यू का फर्स्ट वाला पार्ट देखेंगे। फर्स्ट कौन सा? कितने प्रकार के टिश्यू? टिश्यू 10 प्रकार का है। पहले एल्युलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, येलो इलास्टिक टिश्यू, रेटिकुलर टिश्यू, ठीक है, एम्बियोफाइटिक टिश्यू, कार्टिलेज, बोन और ओसियस टिश्यू, लिम्फोइड टिश्यू और क्या कौन सा? म्यूकॉइड टिश्यू, ठीक है। 10 प्रकार के टिश्यू है। तो किसके प्रकार है ये? कनेक्टिव टिश्यू के प्रकार है। अब हम फर्स्ट देखेंगे एरियोलर टिश्यू, ठीक है। फर्स्ट कौन सा देखेंगे? एरियोलर टिश्यू। तो एरियोलर टिश्यू बॉडी के कनेक्टिव टिश्यू की अपेक्षा सबसे अधिक पाया जाता है। मतलब हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू के रूप में सबसे ज्यादा कौन सा टिश्यू पाया जाता है? एरियोलर टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। हमारी बॉडी में टिश्यू, मतलब कनेक्टिव टिश्यू के बाद जो कनेक्टिव टिश्यू के जो प्रकार है, कनेक्टिव टिश्यू के प्रकार में सबसे ज्यादा कौन सा टिश्यू पाया जाता है? जोर से बोलो, एरियोलर टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या काम, ये कहाँ कहाँ की क्या काम करता है? ये पेशीय, जो पेशी होती है, मसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स तथा जो हमारा नर्वस होता है आदि को परस्पर बांधे रहने में काम करते हैं, ठीक है। क्या काम करते हैं? जो हमारे ब्लड वेसल्स होती है, रक्त वाहिनियाँ जिसको बोलते हैं, ठीक है, थीके? ये क्या काम करते हैं? हमारी जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं, ठीक है, थीके? पहले हम ये देखते हैं कि शरीर में ये जो संयोजी ऊतक है, ये हमारे शरीर में संयोजी ऊतक में सबसे अधिक कौन सा टिश्यू पाया जाता है? कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। अब ये कैसा होता है, इसकी संरचना कैसी होती है? तो ये ढीला ढाला ऊतक होता है। ये है एरियोलर टिश्यू का डायग्राम, ठीक है। ये कैसा टिश्यू होता है?
जोड़ के रखने का काम करता है तथा उसे क्या करता है, सपोर्ट करता है, क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। यह शरीर के प्रत्येक भाग जैसे त्वचा, ये कहाँ पाया जाता है, स्किन के नीचे वाले पार्ट में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, त्वचा के नीचे, मतलब स्किन के नीचे वाले पार्ट्स में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है, ये पेशियाँ, मांसपेशियाँ जो होती है, मसल्स, मसल्स में पाया जाता है, ठीक है, ये मांसपेशियों में पाया जाता है, ठीक है। और ये पाचक नली में भी पाया जाता है, किसमें, डाइजेस्टिव कैनाल जिसको बोलते हैं, डाइजेस्टिव कैनाल में भी ये पाया जाता है। तो समझ में आया, ये कैसा टिश्यू है, कैसा टिश्यू है, ये संरचना कैसी है अलग अलग टिश्यू की, ये देखने में ढीला ढाला दिखता है, ठीक है। और ये क्या करता है, हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू में सबसे ज्यादा कौन सा टिश्यू पाया जाता है, एरियोलर टिश्यू पाया जाता है। इसके आसपास जो भी टिश्यू होते हैं, एरियोलर टिश्यू के पास आसपास जो भी टिश्यू होते हैं, ये उसको आपस में बांध कर रखता है तथा क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। एरियोलर टिश्यू समझ में आ गया। और ये और क्या काम करता है, हमारे शरीर की जो मसल्स होती है और ब्लड वेसल्स होता है तथा तंत्रिका नर्वस होता है उसको आपस में बांध कर रखने का काम करता है तथा उन्हें अपने स्थान में बनाए रखता है, ठीक है, जिसमें वो यहाँ से वहाँ ना हो, ठीक है। ये जो एरियोलर टिश्यू होता है इसमें बहुत फाइब्रस टिश्यू, जो कॉलेजन में येलो इलास्टिक तथा रेटिकुलर तंतु पाए जाते हैं, ठीक है, थीके? जो हमने कौन कौन सा अभी पढ़ा था, वाइट फाइब्रस टिश्यू, येलो इलास्टिक टिश्यू तथा रेटिकुलर टिश्यू किसमें पाया जाता है, एरियोलर टिश्यू में पाया जाता है। एरियोलर टिश्यू में किसी को कोई डाउट, समझ में आ गया। कनेक्टिव टिश्यू में सबसे ज्यादा कौन सा टिश्यू पाया जाता है हमारे शरीर में, एरियोलर टिश्यू पाया जाता है। ये देखिए इसकी संरचना कैसी होती है, यह ढीला ढाला होता है, ठीक है। और ये क्या काम करता है, इस टिश्यू के आसपास जो भी टिश्यू होते हैं उनको क्या करता है, जोड़ के रखता है या बांध के रख के रखता है तथा ये अपने आसपास के टिश्यू को क्या करता है, सपोर्ट करके रखता है। अब ये पाया कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ पाया जाता है, स्किन के नीचे पाया जाता है, और कहाँ पाया जाता है, ब्लड वेसल्स में, और कहाँ पाया जाता है, हाँ, और यह पेशियों में, पेशियों में मतलब मसल्स में पाया जाता है तथा एलिमेंट्री कैनाल जिसको हम पाचक नली बोलते हैं उसमें ये कौन सा, एरियोलर टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। अब एरियोलर टिश्यू के बाद हम देखेंगे एडिपोज टिश्यू, कौन सा टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। अब एडिपोज टिश्यू, इसकी यह विशेषता है कि यह है फ्लैट सेल्स, इसमें कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, इसकी मेन विशेषता यह होती है कि इसमें फ्लैट सेल्स प्रेजेंट होती है, कौन सी सेल्स, फ्लैट सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये क्या काम करता है, ये भी कैसा होता है, जो अवकाशी ऊतक था जिसको हमने बोला था एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू कैसा था, ढीले ढाले फ्रेम में था, ढीला ढाला था ना, ऐसे ही कौन सा टिश्यू होता है, सेम उसी के जैसे एडिपोज टिश्यू होता है, ठीक है। एडिपोज, इसकी यह विशेषता होती है कि इसमें फैट्स, फ्लैट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, थीके? और इन फ्लैट सेल्स में क्या भरा होता है, मैट्रिक्स भरा होता है, क्या भरा होता है, इन फ्लैट सेल्स में क्या भरा होता है, मैट्रिक्स भरा होता है, ठीक है। ये सेल्स एरियोलर टिश्यू के मैट्रिक्स में होती है। और ये कहाँ कहाँ होती है, एरियोलर टिश्यू का, ये जो एरियोलर टिश्यू था, हमने एरियोलर टिश्यू देखा था, इसका जो मैट्रिक्स होता है, ठीक है, इसके मैट्रिक्स में क्या भरा होता है, एडिपोज टिश्यू, जो एरियोलर टिश्यू का जो मैट्रिक्स होता है ना, मैट्रिक्स जो द्रव पदार्थ होता है उसमें कौन सा टिश्यू भरा होता है, साथ में एडिपोज टिश्यू भरा होता है, ठीक है। यह सेल्स एडिपोज टिश्यू की सेल्स का भाग फैट ग्लोब्यूल से भरा होता है जिसकी वजह से ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के किनारे चपटे होते हैं, ठीक है। तो हम पहले एडिपोज टिश्यू समझ रहे हैं, एडिपोज टिश्यू देखो, पहले इसमें समझना जो एडिपोज टिश्यू, इसकी विशेषता क्या है कि ये फैट सेल्स होता है, क्या होता है, फैट सेल्स, फैट सेल्स मतलब तो समझते हो ना, वसा जिसको बोलते हैं, फैट सेल्स इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है, एडिपोज टिश्यू में फैट सेल्स मतलब फैट मतलब वसा कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, अवकाशीय ऊतकों, अवकाशीय ऊतक मतलब एरियोलर के ढीले फ्रेम पर आद्रत रहती हैं कोशिकाएं, प्रायः बड़ी बड़ी गोलाकार या अंडाकार होती हैं। ये जो एडिपोज के टिश्यू होते हैं ये कैसे होते हैं, इनका आकार कैसा होता है, गोलाकार, बड़े बड़े तथा गोलाकार तथा अंडाकार होता है, ठीक है। ये आसपास की कोशिकाओं के दबाव के कारण ऊतकों की कोशिकाएं कैसी होती हैं, पॉलीहेड्रल हो जाती हैं। इस ऊतक के जो एडिपोज टिश्यू होता है इसमें आसपास जो ऊतक
जाता है। तो इस टिश्यू में प्रेशर पड़ने के बाद क्या होता है, ये कई लेयर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ये एडिपोज टिश्यू है, ये एडिपोज टिश्यू के चारों ओर टिश्यू है, ठीक है, चारों ओर अलग अलग टिश्यू है। अब इनका प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, छोटा होता जाएगा। तो छोटा होता जाएगा मतलब ये घटता नहीं जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सिकुड़ता जाएगा, मतलब कई लेयर में कन्वर्ट होता जाएगा, अपना छोटा साइज करता जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, कई लेयर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीहेड्रल। क्या बोलते हैं, पॉलीहेड्रल कहा जाता है, ठीक है। और ये जो फैट टिश्यू की कोशिकाएं समस्त भाग में कैसी होती है, फ्लैट ग्लोब्यूल्स से भरा हुआ रहता है। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, इसकी कोशिकाओं में ये जो फैट गोले गोले दिख रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फैट ग्लोब्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फैट ग्लोब्यूल्स कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक कि वसा के दबाव से साइटोप्लाज्म तथा न्यूक्लियस किनारे से चपटे हो जाते हैं। देखो ये जो टिश्यू है, टिश्यू किससे मिलकर बना हुआ है, सेल्स से, ठीक है, किससे निर्माण हुआ है, सेल्स से। तो सेल्स में क्या होगा, न्यूक्लियस भी होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा, ठीक है। तो जब सेल से मिलकर बना होगा, तो जब इसके ऊतक, इस ऊतक में चारों ओर से ऊतक का क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो ये टिश्यू तो चपटता ही है, मतलब ये अपना आकार तो छोटा करता है, ये पॉलीहेड्रल बनता है। प्लस इसका जो न्यूक्लियस और क्या होता है, साइटोप्लाज्म, क्योंकि कोशिका से बना हुआ है, तो इसमें न्यूक्लियस भी होगा, क्या होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा। तो इसका तथा न्यूक्लियस तथा साइटोप्लाज्म भी क्या होता है, चपटे होते जाते हैं तथा आकार में छोटे होते जाते हैं, ठीक है। अब हमको देखना है ये टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है, ये टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसमें ग्लोब्यूल से भरा होता है, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस किनारे से चपटे होते जाते हैं, ठीक है। ये एडिपोज टिश्यू आंखों की पलकें, जो आंखों की पलकें होती है ना, यहाँ पर ये एडिपोज टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त ये कहाँ पाया जाता है, बॉडी में, ये कहाँ पाया जाता है, एडिपोज टिश्यू स्किन के नीचे बॉडी को शेप देता है, ठीक है। स्किन के नीचे जो मसल्स होती है उनको शेप कौन देता है, एडिपोज। एडिपोज मतलब हमने पहले ही देख लिया है, एडिपोज में कौन सा टिश्यू है, कौन सा सेल्स है, कौन सी कोशिका है, एडिपोज में कौन सी कोशिका है, फैट सेल्स, हमने पूछा था ना, फैट सेल्स। फैट सेल्स मतलब क्या होता है, वसा कोशिका, ठीक है। और वसा कोशिका मतलब क्या होता है, फैट बढ़ने से ही तो हमारा शरीर में मोटे होते हैं, तो किसकी वजह से, फैट की वजह से। और ये फैट कोशिकाएं किस में है, एडिपोज टिश्यू में। तो जब ये देखो ऊतकों का प्रभाव पड़ेगा, तो ये एडिपोज टिश्यू क्या हो जाएंगे, चपटे होते जाएंगे, चपटे होते जाएंगे और एडिपोज टिश्यू होते जाएंगे, और क्या होता जाता है, फैट बढ़ता जाता है। समझ में आ गया एडिपोज टिश्यू। अब एडिपोज टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये स्किन के नीचे बॉडी को क्या करता है, शेप देने का काम करता है, और उसे क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रदान करता है, हमारे शरीर को क्या देता है, स्किन के नीचे मतलब मसल्स को, ठीक है, फैट को क्या देता है, ये आकार देता है, मसल्स स्किन के पीछे वाले पार्ट को ये क्या करता है, आकार देता है, तथा क्या करता है, और हमारे शरीर को स्टेबिलिटी प्रदान करता है, और चोट लगने में प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, क्या करता है, ये चोट लगने में प्रोटेक्ट करता है, तथा ताप का नियमन करता है, हमारे शरीर का जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको नियमन कौन करता है, उसको कौन नियमन करता है, एडिपोज टिश्यू, ठीक है। भूखे रहने की स्थिति में शरीर में संचित वसा उपयोग होती है। देखो हम फास्ट रहते हैं, मैंने उस दिन भी बताया था, फास्ट रहते हैं तो भी हमको एनर्जी मिलती रहती है, तो किसकी वजह से मिलती है, देखो जी एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू में कौन सी कोशिका है, फैट सेल्स है, ठीक है। फैट सेल्स किस में कन्वर्ट होती है, एनर्जी में, जब हम भोजन नहीं लेते, ठीक है, तब भी जब हम भोजन नहीं ले रहे तब भी हमारे शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो हमारे शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, जो एडिपोज टिश्यू में, जो एडिपोज कौन सा होता है, ये जो वसा सेल्स होता है, ठीक है, ये कहाँ पे, कोशिका में ऊर्जा किस में कन्वर्ट होती है, किस पार्ट में ऊर्जा कन्वर्ट होती है, कोशिका के किस पार्ट में ऊर्जा कन्वर्ट होती है, कोशिका के पार्ट्स देखे थे ना, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। तो हमको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है। पर हम ऊर्जा भोजन के रूप में भी लेते हैं, पर हम जब खाना नहीं खा रहे हैं या हम फास्ट हैं, ठीक है, तो हमको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, अगर ऊर्जा नहीं मिलेगी तो क्या हम जीवित रहेंगे, नहीं रहेंगे ना। तो तब हमको कहाँ से ऊर्जा मिलती है, जो हमारे फैट
मिलती है, ठीक है। तो जब हम भोजन नहीं करते हैं तब हमको ऊर्जा किससे मिलती है? एडिपोज टिश्यू में। एडिपोज टिश्यू में जो फैट सेल्स पाए जाते हैं उससे हमको क्या मिलता है? ऊर्जा या एनर्जी मिलती है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये स्किन की नीचे वाले पार्ट में पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है? स्किन के नीचे वाले पार्ट में क्या करता है? बॉडी को शेप देता है तथा और क्या करता है? स्टेबिलिटी, हमारे शरीर की स्टेबिलिटी बनाए रखता है, ठीक है। एडिपोज टिश्यू समझ में आया किसी को कोई डाउट? आज की क्लास यही तक, आगे का नेक्स्ट पार्ट